जो कुछ भी है वो सब पहले से लिखा हुआ है, क्या ये सच है? यानी मतलब हम जो भी पाप करते हैं या पुण्य करते हैं उसका फल भी हमें मिलता है, तो हम पाप पाप कर रहे हैं वो तो भगवान की मर्जी है ना, तो हमें पाप क्यों मिल रहा है? ये कहाँ से समझा तुमने कि ये सब उन्हीं की मर्जी है तो फिर पाप भी उन्हीं की मर्जी से होगा? कुछ अच्छा काम हुआ तो भगवान की मर्जी, सब भगवान ने करवाया, और बुरा हुआ तो फिर बोलते हैं तुमने किया है, भगवान भगवान से अच्छे काम ही करवाते। तो पाप तुमने किया और पुण्य भगवान ने, कितना अन्याय कर रहे हैं भगवान। जो कुछ भी है वो सब पहले से लिखा हुआ है, क्या ये सच है? यानी जो भगवान, ये सब भगवान की मर्जी होती है जो कुछ भी होता है। कौन सी भगवान की मर्जी? यानी हम जो भी कर रहे हैं सब भगवान ने पहले से लिखा हुआ है। हाँ, आगे वाला क्वेश्चन करो, इसका आंसर देंगे आगे। हाँ, पूछो तो, फिर यानी मतलब हम जो भी पाप करते हैं या पुण्य करते हैं उसका फल भी हमें मिलता है, तो हम पाप पाप कर रहे हैं वो तो भगवान की मर्जी है ना, तो हमें पाप क्यों मिल रहा है? वेरी नाइस, हमें पता था तुम वहीं पहुंचोगे, इसलिए हमने पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, क्योंकि हम जानते थे तुम कहां के लिए निकले हो। ठीक है, ये कहां से समझा तुमने कि ये सब उन्हीं की मर्जी है तो फिर पाप भी उन्हीं की मर्जी से होगा? मैंने सुना है कई लोग बोलते हैं ये सब हुआ है सब भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी से हुआ है। अच्छा, कुछ अच्छा काम हुआ तो भगवान की मर्जी, सब भगवान ने करवाया, और बुरा हुआ तो फिर बोलते हैं तुमने किया है। अच्छा, ये गलत है। हाँ, ये फिर भगवान से अच्छे काम ही करवाते हैं। हाँ, वही तो, भगवान भी फालतू के काम करवाता है तुमसे। हाँ, हमें पहले ही पता था। अरे बामठ हो गए वो मायक है, पैसन ते आया हो ते पापा दक्षिणा ना दे देगो हमें इतनी, रुक जाने वाक वाक मायक खराब है गो तो खामा का खर्चा बढ़ जाएगा, हम पे तो ही चुकवा बैगो वो, और तू दक्षिणा दे के जाएगो। तो पाप तुमने किया और पुण्य भगवान ने, कितना अन्याय कर रहे हैं भगवान। हे ईश्वर, तुम्हें पता नहीं था कि 21वीं सदी में ऐसे इंटेलिजेंट बॉय भी आएंगे? काहे को अपना अच्छाई तुम रख लिए और बुराई इनके माथे मढ़ दिए? भाई भगवान ने गलत किया तुम्हारे हिसाब से? नहीं, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अच्छा होता है तो वो भी हमने किया, बुरा किया तो हमने किया। हाँ, फिलहाल टोटल तुमने अच्छा ज्यादा किया कि बुरा, वो तो भगवान जाने। तुम जानो, भगवान कहाँ जाने, किया तो तुमने है, तुम बताओ अच्छा ज्यादा किया कि बुरा ज्यादा किया, बताओ, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। अच्छा किया है? अच्छा किया। फिर काय को टेंशन ले रहा है? जब अच्छा ही ज्यादा किया है तो बुरा तो तेरा डिपार्टमेंट है नहीं, तू टेंशन क्यों ले रहा है? क्वेश्चन तो मन में आता है ना कि कि हम भगवान को श्रेय क्यों मिल रहा है? नहीं, ऐसा ये क्वेश्चन नहीं है मेन, तो मेन क्वेश्चन ये है कि जो हो रहा है वो सब पहले से लिखा हुआ है। आ जा, सुन ले, रुक जा, पक्की बात समझ ले, अगर मैं समझाऊंगा और तू और समझ गया तो जीवन भर दोबारा ये क्वेश्चन नहीं लाएगा, बोलो। हाँ हाँ, पक्का? पक्का। अब सुनो, आपका जन्म किस घर में होगा? आपकी दो आंख होंगी कि एक आंख होगी? तुम्हारा एक हाथ होगा कि दो हाथ होंगे? एक पैर होगा या दोनों ही पैर नहीं होंगे? तुम कितने बुद्धिमान होगे? तुम स्वस्थ होगे कि अस्वस्थ होगे? तुम हैंडसम होगे कि थोड़े से डार्क भी होगे? ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्धारित होकर परमात्मा पहले ही लिख देता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारब्ध। ध्यान से सुनना, भी नहीं ताली नहीं बजाइए। परमात्मा ने तुम्हारा प्रारब्ध लिख दिया, किस पे लिखा? पिछले कर्मों के हिसाब से लिख दिया, पिछले जन्मों में जो कर्म हुआ है हमारा उसके हिसाब से परमात्मा ने प्रारब्ध लिखा कि इसको ऐसे 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 इस जगह पे भेज दो। ठीक। अब भगवान ने गीता में कहा कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब भगवान ने यह कहा है कि तुम कर्म करने के लिए फ्री हो। रामायण में है हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहात, छह चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। कौन सी? हानि, लाभ, जीवन, मरण, कब जन्म होगा कब मरोगे भगवान डिसाइड करेंगे, लेकिन जन्म के बाद कैसे कर्म करोगे ये तुम डिसाइड करोगे, और उस कर्म का रिजल्ट क्या होगा, उसका फल क्या देना है ये भगवान डिसाइड करेंगे। जैसे एक अपराधी ने चोरी करी, अब चोरी करी उसने अपनी मर्जी से,
पुलिस वाले पकड़ के ले गए कोर्ट में, ले गए कोर्ट वालों ने कहा कि भैया ये तो अपराधी है, इसको जेल में डालो। अब वो कह रहा है मैंने तो चोरी खुशी के लिए की थी, मैं अपनी खुशी के लिए, लेकिन सरकार की नज़र में वो अपराध है तो अपराध है। तो जज कौन है? जज को निर्णय देने का अधिकार है, तुम्हें नहीं है। वैसे ही संसार का जज जो है वो परमात्मा है। तुम्हारे हाथ में कर्म करो, किसी को गाली दो या पूजा करो, थप्पड़ मारो या सेवा करो, हेल्प करो, तुम माँ बाप का अपमान करो या सम्मान करो, ये तुम्हारे हाथ में है। लेकिन अगर अपमान करोगे तो तुम्हें भी जीवन में अपमान का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम सम्मान करोगे तुम्हें भी जीवन में कभी ना कभी वो सम्मान मिलेगा तुम्हारे बच्चों के माध्यम से। टिट फॉर टैट अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं, तुम्हें भगवान ने कर्म करने के लिए फ्री छोड़ा है। तुम कर्म कर सकते हो और तुमने कर्म किया और उस जैसे तुमने बहुत अच्छा कर्म किया और उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया, तो रिजल्ट देना किसके हाथ में? भगवान के। किसके में? भगवान के। तो किसने अच्छा किया? हमने, मतलब हमने किया, भगवान ने। कर्म तुमने किया, हाँ। रिजल्ट किसने दिया? भगवान ने। तो अच्छा किसके थ्रू हुआ? भगवान के थ्रू। इंटरव्यू तुमने दे दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, किसके हाथ में सिलेक्शन? भगवान के। तो अच्छा किसने किया? मैंने, मतलब भगवान, मैंने अच्छा किया, तुमने ही अच्छा किया, अच्छा तुमने किया, अच्छा तुमने किया, अच्छा इंटरव्यू दे के तुमने ही अच्छा काम किया। इसका मतलब तुम्हारा कर्म ही परमात्मा की नजर में तुमको अच्छा बनाता है, और तुम्हारा कर्म जब अच्छा होता है तो परमात्मा अच्छा रिजल्ट देता है, और अच्छा रिजल्ट देता है इसलिए परमात्मा अच्छा है। लेकिन मेरा कर्म, जिसको भगवान ने कहा तू कर्म कर, तो पहले से ही सब कुछ नहीं लिखा, पहले से कुछ चीजें लिखी हैं। अब इस जन्म में जो तुम कर्म करते चले जाओगे उन कर्मों से पिछले को भी खराब कर सकते हो या अच्छा कर सकते हो। तो तुम्हारा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। भगवान के कार्य में इंटरफेयर मत करो, अपने कर्म को अच्छा बनाओ। अब ये सब परम बुद्धि किसने दी? भगवान ने दी। कर्म करने के लिए हाथ किसने दिए? भगवान ने। पैर चलने के लिए किसने दिए? भगवान ने। तो अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। तो उसकी अच्छाई है कि नहीं है? लेकिन तुम पैरों से चल के मदराले चले जाओ तो ये बुरा है कि अच्छा है? बुरा है। इन हाथों से किसी गाल पे थप्पड़ मारो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। अपनी जुब्या से किसी को गाली दो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। तो भगवान तुमसे खुश होगा? नहीं। ये काम भगवान ने किया ना? किसने किया? हमने किया। तो मार किसमें पड़नी चाहिए? क्या मार किसमें पड़नी चाहिए? हमको ही पड़नी। तो उठो यहां से, कोई दो इसके गाल पे दो चार। इसलिए कहते हैं बेटा कि बुरे काम हम ही करते हैं और अच्छा काम ठाकुर जी की कृपा से ही कर पाते, कर्म हम ही करते हैं। तो कर्म आप करो, रिजल्ट भगवान आपको देगा। समझ में आई कि नहीं? समझ गया। क्या समझ में आए तुम बताओ? कि हमें खाली कर्म करना है, फल भगवान देगा। पक्का? पक्का। अब ये क्वेश्चन दोबारा मत लइयो कि अच्छा तो भगवान करते बुरा हम करते हैं। कर्म दोनों ही हम करते हैं, अच्छे और बुरे, और परमात्मा उनका रिजल्ट देता है। ठीक है।